राजापुर राहुल जाएंगे। देखो ये बच्चे, उनको ये राहुल जी का पैगाम है वो, और ये मोदी की गारंटी क्या वो उस पे, और ये बिल्ली भी देखो हम हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठे, पढ़ाई करें, दो तीन साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है, आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है, पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो, पूरी सिलेबस की वो तैयारी करते हैं, 5 सवालों की उनकी तैयारी, 5 सवालों की आपकी पूरी सिलेबस की, मर गया तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। यूं पकड़ लेता है, कहता है इधर आ, ठीक है, और फिर उसको ले जाता है, जेल में डालता है, 2 जूते मारता है। और अगर अदानी जी या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति बैंक से लोन लेता है, कहता है मैं वापस नहीं दूंगा, तो वही पुलिस वाला जाके कहता है साहब ऐसे करिए आप एक और बैंक लोन ले लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपका पूरा कर्जा माफ कर देंगे, देश छोड़ के चले जाओ, मालिया बन जाओ, ललित मोदी बन जाओ, नीरव मोदी बन जाओ, मजे ही मजे हैं। अगर आप 3-4 वो जो 5% लोग हैं, अगर आप वहां से आते हो तो जो सपना आपको देखना है, आपकी जिंदगी सपना ही सपना है, और अगर आप 95% से आते हो तो आप सच्चाई का सामना करो, भूखे मर जाओ, बच्चों को बेरोजगार देखो, और जो आपके सारे के सारे रास्ते हैं एक के बाद एक वो बंद होते जाएंगे। बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा लीगल एमएस। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, और अगला क्रांतिकारी काम जाति जनगणना होगा, और इसके बाद आप देखना हिंदुस्तान में सच्ची राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि गरीबों को पता लग जाएगा, गरीबों को डेटा मिल जाएगा कि भैया कितनी बुरी तरह हमारे को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, हमने मनरेगा योजना चालू की, ठीक है, उसमें हम कितना पैसा देते हैं साल का, 65,000 करोड़ हमने मनरेगा चालू किया। 5 साल बाद किसान हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा देखिए राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, आप मजदूरों की मदद कर रहे हो, आप उनको मनरेगा दे रहे हो, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? और हमने कहा देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मनरेगा हमने मजदूरों को दिया, किसानों का हम 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे, लीजिए चेक लीजिए घर जाइए। और किसानों ने पूरे देश में पटाखे बजाए, ठीक है, अब देखिए कर जाइए, डिस्टर्ब मत करो भाई, डिस्टर्ब मत करो। 1600 करोड़ किसने बोला, 16 लाख करोड़। अब आप कहोगे यार ये राहुल गांधी 16 लाख करोड़ तो कह गया, मगर हमें ये समझ नहीं आई ये कितना है, क्योंकि ऐसा नंबर है ये सिर्फ अदानी समझ सकता है, हमें हमारे बस की नहीं है। तो मैं अब आपको समझाता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को 24 साल का मनरेगा पकड़ा दिया, 24 साल का, जो हम एक साल में देते हैं
24 गुना उन्होंने उनको दे दिया। अच्छा अब आप कहोगे ठीक है भाई उद्योगपति हैं, तो मैं आपसे पूछूं भाई पैसा कहां से आया, कौन सी जनता, कौन सी ये जनता है 90% सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू करी, देखिए हमारी हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। सुनिए सुनिए आपने सवाल पूछा तो अब सवाल का जवाब सुनो, है ना, हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, जाति जनगणना। अब यह मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको कभी चोट लगी है, हाथ पैर टूटा आपका कभी, ये आपका है। अगर अगर हवाई जहाज एक चैन बनाएगा BHEL पहले सेना में भर्ती होती थी, ठीक है, लोग युवा सुबह उठते थे, रनिंग करते थे, वर्जिश करते थे, अंदर जाते थे, सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आपने देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो तो हम आपकी रक्षा करेंगे, और सेना उनको पेंशन देती थी। अगर उनको कुछ होता था, चोट लगती थी तो देखभाल होती थी, अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था। अब अग्निवीर लागू कर दिया, इसमें कहते हैं देखिए चार लोगों की भर्ती होगी, चार में से तीन को हम निकाल देंगे, वो तीन बताए कौन से निकलेंगे, 50,000 है युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, जा चुके हैं, अब उनका समय बर्बाद कर दिया। कितनी है राहुल जी का एड्रेस, आदिवासियों की कितनी, 8, माइनॉरिटी की कितनी, 15, तो सब मिलाकर तकरीबन 90% होता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, 4,000 किलोमीटर चले, और उसमें हमारा लक्ष्य जो नफरत फैलाई जा रही है समाज में, जो बीजेपी धर्म को धर्म से लड़ाती है, जात को जात से लड़ाती है, भाषा को भाषा से लड़ाती है, उसके खिलाफ हमने भारत छोड़ो यात्रा की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मगर ऐसे यही है ना, यही है नीचे उतर गए, लगे हुए भैया तो राहुल जी आ चुके हैं टंकी चौराहा शाजापुर। या साथी सामने खड़े ना हो, सामने से आपको साइड में होना पड़ेगा। शाजापुर के बड़ी कांग्रेस के सभी साथी कॉल करके टंकी चौराहा यहीं से राहुल जी की अभी आ रहे हैं शाजापुर में, आदरणीय राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तक से हमारे मित्र हैं विजय जी, पूरी यात्रा में चल रहे हैं और अपने खर्चे पे ही चल रहे थे, और इन्होंने नेहरू जी के ऊपर बुक्स निकाली है अपने पे ही, और उसको ये वितरित कर रहे हैं, नेहरू जी का विजन
पूरा इसमें। आप भी बताइए कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, कौन हमें न्याय दिलाएगा, हमारे समस्या का हल नहीं है क्या कोई? अरे मोहन क्या हुआ? अरे आप भी समझाया भाई, अरे क्या बताए कब तक इसे घर में बैठे खिलाते रहेंगे? अरे चाचा कब तक मोहन से डांटे रहेंगे चाची आप? अरे तुम बताओ मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, राहुल गांधी जी ने तो न्याय यात्रा स्टार्ट की, हमको उनका साथ देना है। कैसे साथ देना, क्या वो हमारे समस्या का हल ढूंढेंगे? अरे वो आप ही के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कुछ युवा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से न्याय यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। टंकी चौराहा शाहजहापुर द यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट।